आपको जाता ना आज एक्चुअल समझ में आएगा भाई क्या डिफरेंस है। ये चेक कर लो भाई, ये फुल सिस्टम है। ये है भाई सिर्फ और सिर्फ कैन, मतलब इसमें हेडर चेंज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जॉस्ट है वो चेंज हुआ है पीछे का कैन। तो ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं बाइक के ऊपर और आज तो भाई ठंड बिल्कुल एकदम भाई नेक्स्ट लेवल की है। और आज निकल चुके हैं अपन नाइट राइड करने, वो भी दो दो Z900 को लेकर निकले हैं भाई। अपनी फुल सिस्टम है और भाई उसकी ना स्लिप ऑन है, लेकिन आप सबको पता है भाई स्लिप ऑन के साथ भी ना बहुत ही तगड़ी साउंड आती है Z900 में। भाई ने भी एरो ही लगाया, मेरी तो एरो लगी है भाई, पिछले 1.5 साल हो गए होंगे लगभग, 1.5 साल से भाई मैं एरो चला रहा हूँ एरो के साथ Z900 चला रहा हूँ, ऑटो करेक्ट कर देता हूँ भाई। तो ये रही Z900 और ये भी रही Z900, फ़र्क इतना ही है भाई, ये सबसे लेटेस्ट वाला कलर है और ये अपना वाला जो भाई है ये BS6 का फर्स्ट लॉट का बाइक है। इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ग्रीन ग्रीन कर दिया गया, अलॉयज वगैरह सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, बाकी नंबर तो भाई ने बहुत चूज़ करके लिया है। कैसे लगते हैं भाई ऐसे नंबर प्लेट के? वैसे पैसे तो हर नंबर प्लेट के लगते हैं भाई, क्योंकि आपको RTO चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना भाई VIP नंबर प्लेट्स का, तो उसका तो अलग ही सीन है भाई, उसके लिए भाई अलग से आपको पता ही है क्या चार्जेस एंड ऑल है, हर नंबर का अलग अलग चार्ज होता है। जैसे अपनी वर्टस के लिए हमने जो नंबर ली थी उसकी मैं आपको आज तक शायद मैंने बताया नहीं है, 35,000 का नंबर था वो। क्योंकि आगे ना भाई 00 आ गया, तो इसमें भी 00 नंबर इस भाई के बाइक में, बट इसकी 25,000 की पड़ी। ये चेक करो भाई, वर्टस नाम लेती ही सामने दिख जाती है। भाई ठंड से देख रहे हो बाइक्स रोड पे बिल्कुल नहीं दिख रही, सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही है, इतनी ठंड है यहाँ पे। आज फुल गियर अप होके निकलना पड़ा भाई, ये देख लो भाई ग्लॉन्टेड ग्लव्स लेकर निकलना पड़ा, शॉर्ट ग्लव्स में तो काम ही नहीं चल रहा अपना। और ये चेक करो भाई कितना सुंदर सजा हुआ है महावीर मंदिर, ये रहा भाई पट्टा जंक्शन और ये रहा मंदिर। जय श्री राम भाई, कमेंट में भी अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करना आप लोग। तो ये मिल गया भाई खुला रास्ता, खुले रास्ते में तो भाई रॉकेट बन जाती है भाई। कैसे लग रही है भाई? दो दो Z900 एक फ्रेम में, ये और ये दोनों दोनों भाई साथ में चल रही है। आज अपनी बाइक ना कुछ ज्यादा ही क्रैकलिंग साउंड मार रही है, पता नहीं क्या हुआ इस बाइक को, अलग ही पटाके मार रही है भाई। ये देखो फुल क्रैकलिंग साउंड चल रही है गाइस। वही मैं सोचूं भाई क्या कमी है अपनी बाइक में, भाई बाइक अपनी रोड मोड पे चल रही है, तब से मैं सोच रहा हूँ भाई दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही है, अब जाकर पता चला। ये हमने कर दिया राइडर मोड पे, तो ये तो समझ में आ गया जब ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन रहता है बाइक का ना तो पटाखे ज़्यादा मारती है बाइक। ये देखो अभी शांत हो गई, वही मैं सोच रहा था कुछ तो कमी लग रही है बाइक के अंदर, बट पटाखे फिर भी तगड़ी मार रही है आज। ये साउंड ना भाई आज मुझे सोने नहीं देगी लग रहा है, अभी रात के 8:30 बजने वाले, हाफ एन आवर आराम से राइड करेंगे, फिर 9 बजे घर जाना है, फिर बहुत सारी काम पेंडिंग है भाई। यही दिक्कत है भाई, ये फुल सिस्टम है और वो स्लिप ऑन है, तो उसकी आवाज़ ना पूरी दब जा रही है इसकी वजह से।
सब बढ़िया, बस ऐसे ही। चलो भाई तो भाई अभिषेक मिल गया था, ठंड इतनी ना भाई, कुछ नहीं कहना आज। से अपने को चलना अंदर की तरफ, शायद ये रास्ता बंद है, बंद है, बंद है, बाइक के लिए खुला है। यही फ़ायदा होता है यार बाइकर होने का, हर तरफ रास्ते मिल ही जाते हैं। अभी गाड़ी लेकर आता तो भाई फंस जाता, आगे से पूरा यू टर्न लेके आना पड़ता। पटाके पटाके पटाके, बस पटाके ही मार रही है बाइक आज। आज ना भाई मतलब तगड़ी तगड़ी रिएक्शन मिल रही है अपनी गौडजिला को, बट मेरा मन कर रहा ना पूरा भाई थ्रॉटल आउट करके बाइक राइड करने का। चलते भाई अटल पथ की तरफ, उधर थोड़ा खाली पैच मिल जाएगा हमें। अपन आ चुके अटल पथ की तरफ, एंड भाई ये रॉन्ग साइड नहीं है, दिस इज अ सर्विस लेन, तो प्लीज आप लोग कमेंट में ये मत बोलना भाई रॉन्ग साइड में जा रहे हो। भाई पटाखे मार रही है ना आज, इसका कुछ नहीं कहना आज, पता नहीं अपनी गौडजिला खुश हो चुकी है पूरी की पूरी। हर शिफ्ट पे पटाखे मार रही है भाई। इस बाइक में ना क्विक शिफ्टर नहीं है, अगर क्विक शिफ्टर होता ना भाई तो कुछ कहना ही नहीं था इस बाइक का। बाकी दिस बाइक इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक इन दिस सेगमेंट। अपन फ्रेंडली रेस नहीं कर रहे भाई, फ्रेंडली राइड कर रहे हैं, बाइक को लिमिट में भगा रहे, क्योंकि भाई कभी कभी ना ऐसे मतलब मूड फ्रेश करने के लिए ऐसा राइड कर लेना चाहिए। पता नहीं यहाँ पे किस चीज का इतना भीड़ हुआ पड़ा है भाई, हाथ ना ठंड से जमा पड़ा है भाई, बिल्कुल मन नहीं कर रहा व्हीली करने का। पता नहीं भाई इतनी ठंड क्यों हो चुकी है आज, जब ठंड ना हो तो हम लोग ये कहते हैं भाई ठंड नहीं पड़ रही, ठंड नहीं पड़ रही, और जब ठंड पड़ गई तो भाई बस कंप्लेन यही आ रहा है।
जब भी खाली रोड मिल जाए ना तो भाई ये बाइक ना बिल्कुल अपनी ना मतलब असली रूप में आ जाती है। जो परफॉर्मेंस इस बाइक का ना नेक्स्ट लेवल है बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ यार। इस बाइक को आप स्लो चलाना चाहो स्लो चला सकते हो, फास्ट चलाना चाहो फास्ट चलाओ। ये देखो भाई इसमें ना आवाज़ आई है बट उतनी नहीं आई है, मुझे ना अपनी बाइक के एग्जॉस्ट के सामने ना उसकी आवाज़ ही नहीं आ पा रही है। यहाँ पे लगाते एक बार दोनों बाइक को, एक बार सुनते दोनों की आवाज़, तब आपको जाकर ना आज एक्चुअल समझ में आएगा भाई क्या डिफरेंस है। ये चेक कर लो भाई, ये फुल सिस्टम है। भाई क्या फ्लेम्स आ रही है, खतरनाक बिल्कुल। अभी इस पे चेक करते हैं भाई। ये है भाई सिर्फ और सिर्फ कैन, मतलब इसमें हेडर चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जो एग्जॉस्ट है वो चेंज हुआ है पीछे का कैन। इसमें पटाखे नहीं आ रहे भाई, बस यही कमी है ना। चलो पटाखे दिखाता हूँ, और पटाखे देख लो थोड़ा, क्योंकि ना पीछे कैमरा है नहीं। अलग ही पटाखे मार रही है आज। वही मैं सोचा भाई, जब मैं राइड कर रहा हूँ ना मेरे को फील हो रहा है भाई बाइक ना प्रॉपर क्रैकलिंग साउंड के साथ पटाखे भी मार रही है। गाइस तो अब अपन आ चुके हैं टुवर्ड्स मरीन ड्राइव। भाई डाउनशिफ्ट की साउंड ना इतनी तगड़ी आ रही है। बाकी भाई एक फ्रेम में दो दो 0-100 बस भाई, बहुत ही जल्द उसकी भी हेडर्स ऑर्डर करवा दिया हमने भाई। जैसे हेडर्स इंस्टॉल हो जाएगी फिर 2-2 0-100 विद फुल सिस्टम एरो एग्जॉस्ट। और भाई विंटर्स तो अभी भी है भाई, कुछ दिन रहने वाला विंटर, अभी इतना जल्दी नहीं जाने वाला है, तो बहुत ही मज़ा आएगा राइड करने में। बिल्कुल ना भीड़ गायब गायब से हो गया, और बाइक तो दिख ही नहीं रही रोड पे, जो भी दिख रहे हैं कार ही कार दिख रहे हैं। बाइकर सारे के सारे ठंडे पड़ गए ठंडे में। तो इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज वगैरह निकल चुकी है, अब चल रहे भाई पेज पूजा करने। बहुत तेज की ना भाई भूख लग गई है, चाय का तो पता नहीं कुछ खा ही लेते चल के पहले। भाई पहले खुद खा लेंगे फिर इसे भी खिला देंगे, क्योंकि इसकी भी भूख देख लो भाई, इसकी भूख मिटती ही नहीं है भाई, जितना भी इसको खिला दो ना कम पड़ता है, अलग ही भूखा रहता है ये हमेशा। बाकी अपन ये सोच रहे ना भाई कि बहुत ही जल्द ना अपन कुछ एक गिव अवे देने का सोच रहे हैं, बहुत ही तगड़ा सा गिव अवे, जो कि भाई आपके काम में आने वाला है। गिव अवे क्या होने वाला क्या नहीं वो आपको अगले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ऐसा हमने कुछ सोचा है ना जो कि स्पेशली जो भी बाइकर्स हो उनके लिए भाई ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फॉर अ बाइकर्स भाई मैं एकदम ऑनेस्ट गिव अवे करने वाला हूँ भाई, फॉर फॉलोअर्स एंड ऑल वो वाला गिव अवे नहीं करने वाला, तो प्रॉपर एक ऑनेस्ट अच्छा सा प्यारा सा गिव अवे होने वाला है, और वो आप लोग के लिए भाई बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप लोग को मैं जब बताऊँगा ना नेक्स्ट ब्लॉग में तब आप लोग बोलोगे भाई ये थोड़ा तगड़ा चीज़ हुआ है। तो प्लान करेंगे बहुत ही जल्द उसका भाई, जो भी हमने कॉन्टेस्ट वगैरह सोचा है ना उस तरीके से पूरा प्रॉपर वे में करके, क्योंकि भाई सिर्फ इंस्टा की पब्लिक को क्यों ये फ़ायदा मिले भाई, अपनी यूट्यूब की फैमिली को भी सारा फ़ायदा मिलना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ भाई इंस्टाग्राम पे सारा कुछ पहले अपडेट हो जाता है, जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो यार, स्ट्रीट बर्नर 15 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल। क्योंकि देखो यार जो भी चीज़ होती है ना भाई, अभी हमने व्लॉग शूट किया, अभी इसको एडिट करेंगे अपलोड होते होते कल हो जाएगी, इंस्टाग्राम की जो पब्लिक है ना भाई उनको सारा अपडेट्स ना सबसे पहले मिलता है, तो आप लोग भी इस चीज़ पे ध्यान दिया करो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और क्विक अपडेट्स मिलती रहेगी आपको सारी की सारी।
तो भाई अब हमने खा पी लिया मस्त, अब चल रहे वापस घर की तरफ। क्या साउंड आ रही है आज, मजा आ रहा है बिल्कुल। भाई लोग अभी चल रहे हैं वापस घर की तरफ, रात के 9:30 बज चुके हैं। अपन लगभग भाई 1 घंटे से राइड पे निकले हुए हैं। अभी टाइम पे घर ना जाओ ना भाई तो बहुत डांट सुनना पड़ेगा। हेलो यार, जब ट्रैफिक रोड पे ना कम होता है ना तब थोड़ा ना कभी कभी मजा आता है बाइक राइड करने में, वरना भाई जब भी आप सुपर बाइक लेके रोड पे निकलो ट्रैफिक मिल जाना सारे मोड का ना भाई ऐसा का तैसा हो जाता है। भाई फ्यूल स्टेशन तो दिख रहा है बट अभी ना भाई इतनी ठंड है ना रुकने का भी मन नहीं कर रहा, लग रहा है सीधा घर की तरफ जाओ क्योंकि ना पूरा ग्लव्स वगैरह उतारना पड़ेगा, बिल्कुल मन नहीं है भाई गियर अप होने के बाद गियर उतारने का बिल्कुल। सो गाइस, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।